गुटिया मिल रहा है, चाय मिल रहा है, कौन सी चाय, कौन सी चाय, नमकीन भी, ठीक है नून ले एक पैकेट। हमें एक दोस्त मिला है तो उससे पूछ रहे थे इस पार्क के बारे में कुछ। अच्छा, याद से याद गैस कनेक्ट कर कसन, ये जो है ना इसको कश्मीर में यंदर बोलते हैं भाई। असली जो जगह है ना वो यहाँ से ऊपर है, थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे हम ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए नगरीवारी इको पार्क में। ये है नगरीवारी इको पार्क का बाहर का कुछ नज़ारा। तो सबसे पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद चलते हैं पार्क के अंदर। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलो पहले बाहर का व्यू देखते हैं, बाद में आपको ले चलते हैं पार्क के अंदर। यहाँ पे एक टी स्टॉल मिला हमें भाई, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? गुटिया मिल रहा है, चाय मिल रहा है, कौन सी चाय, कौन सी चाय, नमकीन भी, अच्छा नमकीन भी रखनी थी। कैसी लगी चाय अजहर भाई? लेप्टन चाय मगर इसकी चाय की बहुत टेस्ट अच्छी है। मैंने आज तक चाय टेस्ट नहीं। अच्छा ठीक है यार। ठीक है किसी गुबल, ठीक है नून ले एक पैकेट, ठीक है ना खालदा, वेरी गुड। क्या मकाय बट करो डाट साल नहीं पैकेट चोर तो दोस्तों बाहर का नज़ारा आपने देख ही लिया, आप चलते हैं फटाफट पार्क के अंदर। ये है अंदर का कुछ नज़ारा। अजहर भाई आगे आगे चल रहे हैं, नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहे, इस वीडियो में आपको इस पार्क का पूरा जो है नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए नगरीवारी और बहुत ही खूबसूरत पार्क बनी है यहाँ पे। तो यहाँ के कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे। तो हमारे साथ जो कुछ दोस्त हैं वो दूसरी साइड गए हैं, तो हम अभी इस साइड आए हैं। यहाँ पर हमें एक दोस्त मिला है तो उससे पूछ रहे थे इस पार्क के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिरदौस अहमद। फिरदौस अहमद, तो आप यहीं पे रहते हो? नहीं मैं गुशी में रहता हूँ। अच्छा गुशी में। तो इस पार्क के बारे में कुछ बताइए। यादगारियत पार्क बनमित असल टूरिस्ट खतर कनेक्ट वकबल। अच्छा वकबल कनेक्ट बड़ जाए असल। वकबल कूत दूर है पे अगर ये कनेक्ट गए? वकबल लेकिन अगर यहाँ बीच से जाएंगे काफी टाइम लगेगा हमें ट्रैकिंग करनी, इसलिए हम जाएंगे वहाँ रास्ते से, वहाँ से हमें थोड़ा सा जल्दी होगा उस रास्ते से। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से सीधा वकबल में, वहाँ पर एक टाइगर बना है, टाइगर की पेंटिंग। अच्छा वो वहाँ ऊपर ऊपर के पत्थर पे टाइगर की पेंटिंग बनी हुई है। काफी सारे पत्थरों पे ना मतलब पेंटिंग बनाई गई है और अच्छे मतलब वर्ड्स लिखे हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मौसम ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। हाँ काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। देखो ये जो पेड़ है ना ये वॉलनट ट्री है। जी वॉलनट ट्री, अखरोट के पेड़ काफ़ी सारे लगे हैं। हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे अखरोट के पेड़ लगे हुए।
ये जो है ना इसको कश्मीर में यंदर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने ये यहाँ पे किस लिए लगाया है? ये कश्मीरी ट्रेडिशन दिखाने के लिए मेरा। जी थोड़ा बड़े बड़े से बोलिए। ये कश्मीरी ट्रेडिशन दिखाने के लिए, कश्मीर में पहले कैसे होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, कश्मीर का पहला वाला कल्चर। अच्छा अच्छा, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं आप। जी जी जी, बहुत ही खूब। बहुत ही खूब, आप देख सकते हो कितना। गाइस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा ओका वकबल की तरफ और दिखाएंगे अब आपको वकबल का नजारा। तो गाइस अभी थोड़ी सी बारिश जो है तेज शुरू हो गई है और हमने तो रेनकोट साथ में लाए हैं, लेकिन हमने वो रखा है आगे गाड़ी में, तो पहले वो रेनकोट लगाएंगे, उसके बाद जो है हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। तो गाइस हमने यहाँ पर लगा लिया है रेनकोट, व्हाइट कलर का रेनकोट यहाँ पर मिल गया है। अभी बारिश शुरू हो गई है तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ इस रास्ते से, अभी हमें जा रहे हैं थोड़ा दूर, तो मिलते हैं आपसे हम आगे रास्ते में। तो गाइस ये देखिए आप, ये है पूरा कोविड 19 का सूट और ये ऊपर से नीचे तक जो है पूरा इसको कवर करके रखा है इसमें। हाँ, पूरा वाटरप्रूफ है, फुल वाटरप्रूफ है। इसको हमने साथ में लाया था और मैंने भी, ये देखो मैंने भी अभी लगा के रखा है अभी, और ये पूरा जो है ना वाटरप्रूफ है। और अभी हम पहुँच गए हैं वकबल में और ये कुछ नज़ारा है वकबल का। भाई असली जो जगह है ना वो यहाँ से ऊपर है, 2 किलोमीटर ऊपर जंगल में, तो वहाँ पे हम अभी नहीं जा पाएंगे। तो गाइस ये जो है ना इसका एक और आगे खूबसूरत जगह है, लेकिन उस पर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी लगभग 2 घंटे, वो थोड़ा यहाँ से दूर है। तो अभी जो बारिश भी पड़ रही है और वहाँ का जो रास्ता है ना वो पूरा अभी वहाँ पर कीचड़ होगा, पूरी कीचड़, तो अभी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो अभी ये भी कुछ कम नहीं है खूबसूरत, कुछ कम खूबसूरत नहीं है, ये कुछ नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये है वकबल, वकबल इस एरिया का नाम है। थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे हम ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा। बाकी जो हमने ये सूट लगाया ना काफ़ी अच्छा किया है जो हमने ये साथ में लाया था, वरना पूरे भीग जाते आज, पूरे हम भीग जाते, हालात ही ख़राब हो जाते हमारे। तो भाई गाइस ये देखिए आप यहाँ आगे का नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ जंगल है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है यहाँ आगे, और अभी हम इसके बिल्कुल बीचों बीच, वो है हमने वहाँ पे रखी अपनी गाड़ियाँ और वो अपनी बाइक भी है साथ में। तो ये था कुछ नज़ारा वकबल का। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी जो है बारिश पड़ रही है अभी, और हम यहाँ से आप सीधा जाएँगे घर की तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत हुआ है। अभी क्या टाइम हुआ है पता नहीं, अभी टाइम हुआ 6:10 और हमें यहाँ से काफ़ी दूर भी जाना है, बांडीपुरा पहुँचने हमें यहाँ से। तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को आप खुशी से अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। वैसे ही मुझे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बनता है, लाइक कर देना भाई, आपसे आपके एक लाइक से हमें ना काफ़ी मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, इसे मोटिवेशन मिल जाते हैं। तो लाइक और कमेंट किया करो इस वीडियो में आप। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।